अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको वाइट चिकन कोरमा सिखाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैरिनेटेड चिकन कर दिया था। 1 किलोग्राम चिकन में 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालिएगा। इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दिएगा, या हो सके तो ओवरनाइट रख दिएगा। यह मैंने पतीली ली है, इसमें मैं अराउंड 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यहाँ मैंने यूज़ करा है। आप चाहें तो यहाँ रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस ऑयल को अच्छा सा कर लीजिए। इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, 2 से 3 तेज़पात, 4-5 लौंगे, 2 दालचीनी, लौंगी, काली मिर्च, छोटी इलायची, और यहाँ मैंने लिए 4 मीडियम साइज़ की प्याज। इस तरह से इसे कट कर लिया था और इनका पेस्ट बना लिया है। फाइन मसाले जब तक हो गए हैं, इन्हें जो है प्याज को आप बहुत मत भूनिएगा इसका कलर, वरना ग्रेवी का ब्राउन हो जाएगा। लाइट हल्का सा 1-2 मिनट के लिए करिएगा, उससे क्या है आपकी ग्रेवी जो है ब्राउन कलर की नहीं होगी। ये मेरा मैरिनेटेड चिकन है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से खूब भूनिए। और यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं बादाम के पीसेस 8 से 10, और 5-6 जो हैं मेरी हरी मिर्च हैं, इन्हें मैं ग्राइंड कर लूँगी। जब तक के लिए इसे मैं मीडियम आंच पे पकाऊँगी ढक के 20 से 25 मिनट के लिए। तब ओपन करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। मेरा सॉल्ट डालना स्किप हो गया था, तो सॉल्ट आप स्टार्टिंग में ही मैरिनेशन में लगा दीजिए तो और अच्छा है, वरना बाद में आप 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लीजिए 1 किलोग्राम चिकन में। 1:1 रेशो रहता है सॉल्ट का, आपको पहले भी बताया मैंने। ये मेरा बादाम और उसका पेस्ट है, बस इसको बाद में डालिएगा तब चिकन आपका बिल्कुल गल जाए। मीडियम टू सिम फ्लेम पे पकाइएगा इसे 20 से 25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, और तब ये बन जाए तब इसमें बादाम और मिर्च का पेस्ट डाल दीजिएगा। बादाम नहीं हो आपके पास तो काजू भी डाल सकते हैं इस प्लेस पे। साथ ही में यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है कसूरी मेथी ली है, इसको तब ये बिल्कुल उतरने पे आ जाए तब डालिएगा। इसे अच्छे से पकाइए 5 मिनट तक और हाई फ्लेम पे। तब फिर आप सर्विंग के लिए आएँ तो इसमें क्रीम भी ऐड करिएगा, और ऊपर से डेकोरेशन के लिए मतलब 5 से 6 हरी मिर्चें साबुत बनी डाल दीजिएगा। यह मेरी होममेड क्रीम है मलाई की, इसको मैंने हल्के से चम्मच से विस्क कर लिया है रफली। आपके पास हो तो अमूल की फ्रेश क्रीम डाल दीजिएगा। अब ये रेडी टू सर्व है। ये जो है बहुत अच्छा लगता है बटर नान के साथ या सिंपल रोटी के साथ भी। बस 2 मिनट और ढक के पकाइए, 2 या 5 मिनट। देखिए सर्विंग करते टाइम हल्की सी क्रीम और डाल लिए तो क्या होगा, आपका लुकिंग वाइज बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बताइए।